आगे बढ़े, आपको बताएं कि एक और नतीजा सामने आ चुका है। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, दुनिया न्यूज़ अपने नाज़रीन तक वो नतीजे पहुंचा रही है। एक और गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा आ चुका है, वो आपसे शेयर करें। PP 209 खानेवाल तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के फैसल खान न्याजी 71,586 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 57,864 और वो पीछे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से कामयाब ठहरी है। आपको बताएं PP 209 खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल खान न्याजी, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 71,586 और यहां से कामयाबी अपने नाम की है। PP 209 खानेवाल तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ यहां से लीड करती नजर आ रही है, जबकि नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान यहां पर 57,864 वोट हासिल करने में कामयाब रहे और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे मैदान मारा है। PP 209 खानेवाल यहां पे फैसल खान न्याजी 71,586 वोट लेकर आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हुई है। एक और सीट PTI अपने नाम करने में कामयाब हुई। PP 209 खानेवाल का यह नतीजा है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल खान न्याजी 71,586 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। इससे पहले अगर हम 2018 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो उन इंतखाबात में फैसल खान न्याजी ही फातह करार पाए थे, लेकिन फर्क यह था कि वो नून लीग के टिकट पर आपको बताएं कि पंजाब असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और अब की बार इस ज़िमनी इलेक्शन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये इलेक्शन लड़े हैं और फैसल खान न्याजी ने यह जीत अपने नाम कर ली है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदे साजिद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, फैसल खान न्याजी 18 में कामयाब हुए नून लीग के टिकट से और आज PTI के टिकट से भी कामयाब करार पाए। जी, फैसल खान न्याजी ने 71,586 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ियाउर रहमान ने 57,864 वोट हासिल किए हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीत ली है। 2018 में फैसल खान न्याजी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 15,000 की लीड से ये सीट जीती थी। इस दफा ये उन्होंने 13,000 की लीड से सीट जीत ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल खान न्याजी ने 2018 में जीत कर बाद में रिजाइन करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। इस दफा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद कामयाब ठहरे हैं। जी अच्छा साजिद परवेज, तो ये भी बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के कैंप हैं, फैसल खान न्याजी की रिहाइश गाह है, उसके बाहर उनके डेरे के बाहर कैसे मनासिब देखने को मिल रहे हैं, उनके हामी किस तरह से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, फैसल खान न्याजी के हम इस वक्त ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, वहां पर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, वो उनके हामी जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर इमरान खान का बयानिया जीत गया है और फैसल खान न्याजी एक भारी लीड से जीते हैं, जबकि इस हलके में ये बताया जा रहा था कि यहां पर कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन फैसल खान न्याजी ने ये भारी लीड से ये सीट जीत ली है। इस वक्त उनके हामियों की खुशी दीदनी है। ठीक है, इस वक्त उनके हामियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और उनकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत शुक्रिया साजिद अपडेट करने के लिए।